तो आज इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यूबीजी के पेपर का लेवल कैसा होता है, कौन सा पेपर कैसा आता है, ये एक आपको ऊपर देखिए हर साल तो स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, बट एक कॉमन आप बोल सकते हैं कैसे लेवल का प्रिपरेशन आपको लेना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग आपको वही चीज बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लो, बिकॉज़ अगस्त में एजुकेशन के ऊपर आपको ऐसे डब्ल्यूबीजी प्रिपरेशन के हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं WBJEE के मैथ्स के पेपर को लेके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैथ्स का पेपर आउट ऑफ 200 में से 100 मार्क्स कैरी करती है, तो इज अ ह्यूज नंबर। 200 में से 100 मार्क्स कैरी करते हैं, तो मैथ में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा WBJEE के लिए मैथ जो है दैट इज एनफ, ओके, सफिशियंट फॉर यू। WBJEE मोड जो क्वेश्चन देखा गया है बेसिकली उसमें से एटलीस्ट 50-60% ऐसा क्वेश्चन आपका मिलता है जो डायरेक्टली, अगर आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक है, अगर आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छा है तो 50-60% क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन ऐसे आता है जो क्वेश्चन आपका थोड़ा स्टैंडर्ड आपका बोर्ड के लेवल से हाई होता है, जो आप बोल सकते हो, जो अगर JEE मेन का प्रिपेयर कर रहे हो तो आराम से ये 40% क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स का पेपर का स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री में से भी थोड़ा हार्ड होता है, बट उनमें से भी 40% क्वेश्चन से JEE मेन लेवल का आता है, बट 50-60% क्वेश्चन ये लगभग आप बोल सकते हो आपका बोर्ड के स्टैंडर्ड का ही आता है। ठीक है, तो बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, NCERT अगर पढ़ रहे हो दैट इज एनफ फॉर यू टू फॉर योर आपके लिए। ठीक है, सो यही आपका रहा मैथ्स का। आप मैथ्स का मैंने बोल दिया। ठीक है, अब मैथ्स के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। ओके, फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके रिस्पेक्टिव टू WBJEE। फिजिक्स में क्या होता है, ठीक है, फिजिक्स बेसिकली आपका 200 में से 50 मार्क्स कैरी करता है, 50 मार्क्स कैरी करता है, तो फिजिक्स में कैसे स्कोर करें। देखिए, फिजिक्स का जो पेपर है, फिजिक्स का पेपर मैं बोलूंगा कि ये पेपर में एक मोर देन आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 30 मार्क्स, 50 में से 30 मार्क्स ऐसे मिलेंगे जो अगर आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा है और जो अगर आपने PIQ PYQ किया है, ठीक है, आपका बोर्ड प्लस PYQ ये दोनों लेवल अगर आप लोगों ने अगर आप लोग कर पा रहे हो, बोर्ड प्लस WBJEE PYQ अगर आप लोग कर पा रहे हो तो 50 में से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये है फिजिक्स का। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स में ये बाकी जो 20 मार्क्स होता है फिजिक्स में, ये आपको JEE मेंस का प्रिपरेशन अगर JEE मेंस का अगर क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो बाकी 20 नंबर भी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे आता है समझ गया कि अगर आप लोग बोर्ड्स का और PYQ ये दो अच्छे से कर रहे हो तो आपका 30 मार्क्स लगभग आ जाएगा, अगर लगभग आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी बचा हुआ 20 मार्क्स के लिए अगर आप JEE का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बचा हुआ 20 मार्क्स भी ठीक ठाक आसान लगेगा। ठीक है, तो ये लगभग बोल सकते हो कि फिजिक्स में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो मैं आपको बोलूंगा दिस इज हाई टीम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगस्त एजुकेशन आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएगी WBJEE के लिए विद आवर ग्रेट क्रैश कोर्स जो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल भी है WBJEE के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को जो मिल जाएगा ₹99 पे आप लोगों को प्रिपरेशन मिल जाएगा, क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, शॉर्ट कोर्स मिलेगा, सब कुछ ओनली ₹99। तो ज्वाइन करने का जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स हमारा फिजिक्स भी हम लोगों ने देख लिया, और फिजिक्स के बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में क्या चक्कर होता है। ठीक है, बेसिकली मैं लास्ट को सॉल्व कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको बोल रहा हूं, डोंट वरी। तो केमिस्ट्री का अगर केमिस्ट्री प्रिपरेशन आपको कैसे लेना चाहिए, तो केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगा कि अगर बोर्ड्स का बुक पढ़ो, बोर्ड्स का अगर बुक पढ़ो तो केमिस्ट्री में वही एनाफ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 प्लस नंबर, ऑलमोस्ट 50 में है 40 प्लस नंबर केमिस्ट्री का आसानी होता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि WBJEE में मोस्ट आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है दैट इज केमिस्ट्री। आप लोग जो भी फिजिक्स में थोड़ा डरते हो, बहुत सारे लोगों मैं जानता हूँ कि फिजिक्स जो है फोर्थ पेपर होता है, फिजिक्स मेन पेपर में नहीं रखते बहुत लोग, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन हो सकता है अच्छा स्कोर लाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी जादवपुर को टारगेट कर रहे हो, जो भी टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आई टोल्ड यू दैट कि प्लीज आप लोग केमिस्ट्री को दिमाग पे रखो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत स्कोर कर पाते हो। मैं बोलूंगा कि आसान क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ए बी
ए बी सी डी, समझ लो ये चार ऑप्शन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा आता है, केमिस्ट्री में ये जो 40 नंबर का 40 अप्रोक्स 40 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप लोग देखोगे और ये देखोगे और बी देखोगे और डी ऐसे करके आप लोग टिक करोगे। इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ बुक आप जो जो जिस भी बोर्ड का बुक पढ़े हो, अगर आप बिकवाली बोर्ड से हो तो राय और मार्टिन का बुक भी है, अच्छा बुक करते हैं। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम से करते हो, राय मार्टिन का जो इंग्लिश वर्सन का बुक है, राय मार्टिन का वो बुक आप देख सकते हो। ये इस बुक से मैं देखा होगी डब्ल्यूबीजी में केमिस्ट्री स्पेशली में 40 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो और 10 नंबर और एक्स्ट्रा 10 नंबर मैं बोलूंगा पीवाईक्यू अगर है दैट इज इनफ, पीवाईक्यू है ना। तो केमिस्ट्री के लिए अगर जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन ना भी करो, जेईई मेंस का क्वेश्चन ना भी करो, जरूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री का बेसिकली 40 के आसपास आपके बोर्ड्स के बुक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, ज्यादा टाइम दो और ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो केमिस्ट्री में अगर आप लोग सीरियस हुए तो, ठीक है। सो दैट्स द पेपर पैटर्न, पेपर लेवल। मैं एक्चुअली ट्राई किया कि कैसा कैसा होता है वो इसको डिस्कशन करने का इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेपरेटली। आई फील दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का भी जरूरत है इस एनालिसिस का। बहुत लोग समझ नहीं पाते कौन सी चीज को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहां से प्रिपरेशन लेना चाहिए, ये चीज आपको हेल्प करेगा उस चीज में, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके व्हाट्सएप करके कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।